हेलो गेटास्पर सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ सिम्बल टेबल इन फेज ऑफ कंपाइलर सो लेट्स स्टार्ट सो सिम्बल टेबल क्या है सिम्बल टेबल इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर व्हिच इज़ यूज्ड बाय कंपाइलर टू स्टोर वेरिएबल्स एंड देयर एट्रीब्यूट लाइक्स जैसे साइज ऑफ़ वेरिएबल्स स्कोप ऑफ वेरिएबल्स टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड सेकेंड क्या है इट बेर्स इन लैक्सिकल एंड सेंटेक्स एनालिसिस फेज ऑफ कम्पाइलर ऑफ दी फर्स्ट पास इन दी कम्पाइलर सिम्बल टेबल जो है कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होता है तो पिछले वीडियोज़ में हमने ये देखा था सो सिम्बल टेबल आपका हर फेज से कनेक्ट होता है एज वेल एज एरर हैंडवेयर भी आपका हर फेज से कनेक्ट होता है ठीक है सिम्बल टेबल इसीलिए यूज़ होता है ताकि आप हर फेज़ के जितने भी वेरिएबल्स हैं जितने भी उनके एट्रीब्यूट्स हैं उनको वो स्टोर कर सके एंड सिंबल टेबल जो होता है वो आपका लैक्सिकल और सेंटेक्स फेज में ही आपका वो क्रिएट हो जाता है ठीक है यहाँ लिखा हुआ है भी है कि इट बेल्स इन लेक्सिकल एंड सेंटेक्स एनालिसिस फेज ऑफ द कंपाइलर और फर्स्ट पास ऑफ़ द कंपाइलर फर्स्ट पास यानी आपका फ्रंट एंड से है जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि लेक्सिकल सेंटेक्स एंड सीमेंटिक ये आपके फ्रंट एंड कहलाते हैं कंपाइलर के कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज एंड कोड जनरेशन फेज ये आपके बैक एंड फेज होते हैं ठीक है फिर थर्ड पॉइंट क्या है कि सीमेंटिक एनालिसिस फेज विल यूज़ द सिम्बल टेबल फॉर कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज़। सो सेवेंटिक फेज़ आपका सिम्बल टेबल को क्यों यूज़ करता है सारे कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए ठीक है फिर उसके बाद चौथा पॉइंट है आपका कि जो कोड जनरेशन फेज है वो क्यों यूज़ करता है सिम्बल टेबल को कोड जनरेशन फेज़ विल यूज़ द सिम्बल टेबल टू नो क्या हाउ मच रन टाइम स्पेज इज़ एलोकेट कितना कितना स्पेस कितना टाइम आपको एलोकेट करना है किसी भी प्रोग्राम या सोर्स कोड को रन करने के लिए और व्हाट टाइम ऑफ रन टाइम स्पेस इज़ एलोकेटेड या किस टाइप का आपको uh, किसी भी सोर्स प्रोग्राम को स्पेस एलोकेट करना है ठीक है कितना टाइम देना है या किस टाइप का स्पेस एलोकेट करना है वो सब हम कोड जनरेशन फेस जो है वो सिंबल टेबल का यूज़ करके पता लगाता है ठीक है सो so, ये था आपका सिम्बल टेबल कि हम सिम्बल टेबल क्यों यूज़ कर रहे हैं हर फेज के अपने कुछ रिक्वायरमेंट्स uh, हैं जिसको आपका सिम्बल टेबल फुलफिल कर रहा है लेक्सिकल एंड सेंटेक्टिक फेज सेंटेक्स फेज जो है वो आपका इसलिए यूज़ करता है ताकि उसके एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल्स को स्टोर कर सके एंड सिम्बल टेबल फर्स्ट फेज में ही आपकी क्रिएट हो जाती है ठीक है समेंटिक फेज जो है वो सिंपली इसलिए यूज़ करता है सिंबल टेबल को जितने भी इश्यूज आ रहे हैं आपके सोर्स प्रोग्राम में उन सब को रिजॉल्व करने के लिए ठीक है एंड अगेन कोड जनरेशन जो आपका फेज होता है ये इसलिए यूज़ करता है ताकि कितना टाइम किसी सोर्स प्रोग्राम को रन करने में देना है या कौन सा किस टाइप का जो स्पेस वो एलोकेट करना है सोर्स प्रोग्राम को वो सब वो सिंबल uh, टेबल की मदद से सॉल्व करते हैं सो so, ये था आपका सिंबल टेबल का पर्पस कंपाइलर में यूज़ कंपाइलर फेयर्स में यूज़ करने का सो आई होप ये आपको समझ में आ गया है कोई भी क्वेरी हो तो नीचे आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं सो so, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि एरर हैंडलर क्या है एंड क्यों यूज़ यूज करते हैं सो so, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय